ये सारा मजमून मैं उसकी सोहबत से समझा हूं, किताबों से नहीं समझा, मुझे किताबें जबानी याद थी, मैं किताबों का हाफिज था, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजमून किताबों से नहीं समझा, ये मैं उस बंदे की सोहबत से समझा कि अखलाक सीखने पड़ते हैं। अखलाक सीखने की चीज है, ये पढ़ने से नहीं आते, ये पढ़ाने से नहीं आते। मुमकिन है बुखारी पढ़ाने वाला बद अखलाकी के इंतहा पर हो, बुखारी पढ़ने वाला बद अखलाकी के इंतहा पर हो कि ये चीज पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती है। पढ़ा, किताबें जबानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए, एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबह गुजरी, चंद शामें गुजरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है, तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं, और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं। मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, पिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ, और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों की लगाए हुए निश्कर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिश्ते के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो, तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ इधर, आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ ना करो और आह ना करो, तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहदों वाले और बड़े 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 इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते, तुम्हारी तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो, तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वहां पहुंचोगे, तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा, तुम्हारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखिरत में, ना दुनिया में ना आखिरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीजा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत और कबीरा गुना सबसे बड़ी गलाजत है, और इबादत सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीजगी है, अच्छे अखलाक सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीजगी है, गुनाहों का छोड़ देना सबसे बड़ी तहारत है। ये करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी बनाएगा। ये अखलाक सीखने पड़ते हैं, इबादत को सीखना पड़ता है। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो, और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ, और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा। और कोशिश करो 24 घंटे की जिंदगी में इस जबान पे खैर के सिवा कुछ ना निकले। तुम बेशक
فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو؟ ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوا کھیلو؟ ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو؟ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے، تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیو، چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو؟ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ،